हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। तो स्टूडेंट्स, अवार्ड कैटेगरी में कल ही 9 जनवरी को एनआरआई डे जिस दिन होता है, एक अवार्ड की एक लिस्ट जारी हुई है जो 9 जैन को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए राष्ट्रपति भवन, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, उन कैटेगरी के इम्पोर्टेंट जो 2024 में आने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए जो एमसीक्यू निकले हैं आपके निकलने हैं अवार्ड्स कैटेगरी से, उनके लिए कुछ कंटेंट आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। क्या कहते हैं इनको? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। स्टूडेंट, इस कैटेगरी में आपके मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जैसे पहले ये इंडिया का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, पहले इसकी जगह हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या रेगुलर कैटेगरी। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा, कौन कौन से अवार्ड नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स में आते हैं। मेजर ध्यानचंद की बात कर ली, अर्जुना अवार्ड की बात कर ली, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर ली, ये सारे किस किस को क्या क्या मिला है और क्या क्या एक्सपेक्टेड इस साल के एग्जाम के एमसीक्यूज जो आपके आने वाले हैं GS GK में, वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेंगे, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, मैंने क्या कहा था, खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड जो अब बन चुका है वो खेल रत्न अवार्ड, वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, सबसे बड़ा कैटेगरी में। अभी दो प्लेयर का नाम ले रहा हूँ, बाकी तीन और बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स, आउटस्टैंडिंग लास्ट 4 ईयर से। तो ये अभी दो नाम मैं दे रहा हूँ, सात्विक साई राज, और ये किस कैटेगरी में है, और इसके साथ चिराग चंद्रशेखर शेट्टी फॉर बैडमिंटन, राइट। चलिए, अब स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में अभी मैंने मेजर ध्यानचंद के दो प्लेयर आपको बता दिए अवार्ड के, जो खेल रत्न अवार्ड है, अभी लास्ट में भी आएगा, आप वेट करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। अर्जुना अवार्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है, अर्जुना अवार्ड कितने मिले, 26 प्लेयर को मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आपको क्या किस तरह से अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, सेंस ऑफ लीडरशिप, डिसिप्लिन, सब कुछ जिसमें एक प्रॉपर वे में विद्यमान है, ये सारी चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर, उनको रेकमेंड किया जाता है अर्जुन अवार्ड के लिए। स्टूडेंट्स, ये 26 प्लेयर को ये दिया गया है, तो उसमें से अब आपको क्या करना है, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये लिस्ट मैं पूरी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के साथ, ठीक है। तो आपको ये पूछेगा कि रैंडमली आपको कैसे ये पढ़नी है, 26 प्लेयर है, इट इज़ मोर देन एनफ, है ना, कि आपके पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कैसे, हम जैसे पूछ लेगा कि जो आपके पारुल चौधरी हैं, इसको किस कैटेगरी में मिला है, एथलेटिक कैटेगरी में मिला, किस में मिला है, एथलेटिक, राइट। तो आपको हर कैटेगरी के एक एक दो दो नाम पता होना चाहिए, राइट। जैसे आपको एथलीट्स का पता हो गया, आपको आर्चरीज का पता हो गया, आपको बॉक्सिंग का भी पता हो गया, क्रिकेट में किसको मिला है, अभी लेटेस्ट वर्ल्ड कप हो गया है, किसको मिला है, मोहम्मद शमी को, किसको मिला है, मोहम्मद शमी को। तो इस तरह से 26 कैटेगरी डिफरेंट, कबड्डी, खो खो, एर्चरी, बहुत सारे शूटिंग, टेबल टेनिस, ये सारे के सारे गेम्स के अंदर 26 प्लेयर्स को क्या दिया गया है, अर्जुन अवार्ड। आई विल शेयर यू ईच एंड एवरी PDF टेलीग्राम पे देता रहूंगा। द्रोणाचार्य अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है भाई, ये किसको दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कोच, जो सिखाने वाले, प्रशिक्षण देने वाले लोग होते हैं। आउटस्टैंडिंग कैटेगरी अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, हाँ जी, जो एक आउटस्टैंडिंग, जिनके सिखाए हुए प्लेयर इंटरनेशनल इवेंट खेलते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है। तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं, रेगुलर और लाइफ टाइम। रेगुलर कैटेगरी में 1, 2, 3, 4, 5 पांच नाम आए हैं, जिसमें रेसलिंग में, चेस में, एथलेटिक्स में, हॉकी में और मलखम में, राइट। इनके नाम ये रहे जो आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं। तो आप सबसे ज़्यादा जो इंडिया में फेमस है अभी, हॉकी को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये थोड़ी आप न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखने चाहिए MCQ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइफ टाइम कैटेगरी में भी तीन रहेंगे आपके, गोल्फ के लिए, कबड्डी के लिए और एक टेबल टेनिस के लिए, इनके जसकरण सिंह, बसकरण सिंह और जयंता कुमार, जिसको टेबल टेनिस के लिए दिया गया है, राइट स्टूडेंट। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड फिर से आ गया, दो हमारे पहले हो गए थे, हमारे ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो रेगुलर कैटेगरी के थे, लाइफ टाइम के फिर से आया, तीन प्लेयर और आ जाएंगे यहाँ पे। ये पर्सन कौन है, दिस मेजर ध्यानचंद, बहुत बड़ा एक गोल्डन टाइम पीरियड था जब ये खेलते थे हॉकी का, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त की, बहुत ज़बरदस्त इनका
हॉकी के ऊपर कमांड था इस प्लेयर का, तो आज इस प्लेयर को सम्मान देने के लिए भारत की सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इस बहुत होनहार खिलाड़ी को एक के नाम पर एक खेल रत्न अवार्ड दिया गया। राइट, चलिए सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का, तो तीन लोगों को दिया, एक दो तीन, बैडमिंटन, हॉकी और कबड्डी कैटेगरी में। राइट, मंजूषा, विनीत और कविता करके ये तीन नाम इसमें है, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं माका ट्रॉफी की। माका मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद। कमेंट में मुझे बताइए मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कौन थे, आप मैं वेट करूंगा आपकी कमेंट के अंदर ये कौन थे। ठीक है, इनके नाम पर ये किसको मिला है इस साल किसको मिला है? हाँ जी, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कुशेत्रा यूनिवर्सिटी, एक दो तीन, ये हाई परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, विनिंग यूनिवर्सिटी है गुरु नानक, रनर अप में थी लवली प्रोफेशन और सेकेंड रनर अप में थी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में। तो ये सब इस साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डियर स्टूडेंट्स आए, इन्हीं में से आपको एमसीक्यू बनेंगे आने वाले 2023 में। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी बहुत सारे अवार्ड आएंगे, अभी आर्मी के अवार्ड अलग होते हैं, ऐसे आपके भारत रत्न या और भी बहुत तरह के अवार्ड होते हैं, फिल्म सिनेमा के अवार्ड, तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड, नोबल प्राइज अवार्ड, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड अभी आपको पूरे साल देखने को मिलेंगे, वो सारे रेगुलर अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो जब तक स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके रखना, और जो भी कमेंट डाउट आपको किसी भी तरह के हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ओपन है आपके लिए, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के राइट नाउ आई एम साइनिंग फ्रॉम हेयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।